Good morning, students. Students, today you have been given the next revision worksheet. I hope you have completed the previous one which have been given to you. आपने मुझे लग रहा पहले वाली complete कर ली होंगी सारी worksheet. So, if you have completed them, then you have to tally your answer with your notebook. आपने अगर complete कर ली है तो you have to tally your answer. आपने answer tally करने हैं अपनी नोटबुक से, देन गिव मार्क्स टू योर सेल्फ. फिर अपने आप को इवेल्युएट करना, मार्क्स देने हैं कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत किया है. सो आई होप यू हैव कंप्लीटेड दैट टास्क. सो लेट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट रिविजन वर्कशीट. लेट्स बिगिन फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर वन. क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं. राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड enjoyable thing that one can do in winter season. यहाँ हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें कुछ ऐसी exciting और enjoyable things के बारे में लिखना है जो हम winter season में कर सकते हैं. ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम summer में करते हैं, कुछ हम rainy season में करते हैं, कुछ हम winter में करते हैं. So we have to write some exciting and enjoyable thing that one can do in summer winter season, जो हम winter season में कर सकते हैं. For example, in winter we can enjoying the hot tea, sitting in blanket. So I have given two example, but you have to try to do it yourself. लेकिन इसको आपको खुद ही try करना है. You have to write five things you can do in summer season. You can do in winter season. So we have discussed this question earlier. इस question को हम पहले भी discuss कर चुके हैं जब हम अपना work कर रहे थे chapter number वन का. So if you don't remember, you can take the help of your book or either notebook. वहाँ से आप इसको learn करेंगे, then you have to write this. Next question is, write some activities which you can do in summer. In this question you have to write five activities and enjoyable thing you do in winter, and in this question you have to write some activities which you can do in summer. Summer में आप कौन सी activities कर सकते हैं, जैसे कि आप swimming कर सकते हैं summer में जो कि winter में नहीं कर सकते. आप beach पे जा सकते हैं जो कि winter में जाना ठीक नहीं रहेगा. So you have to learn this question from your notebook or either from your textbook. So you have to write the five activities you can do in summer season. Next question is, now group these activities into indoor and outdoor activities. अब हमें क्या करना है कि हमें दो तरह की हमने activities कर ली. We have discussed winter में हम कौन सी activities कर सकते हैं और हम summer में कौन सी कर सकते हैं. देन वी हैव टू ग्रुप दैम इन टू इनडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज. फिर हमें क्या करना है, इन एक्टिविटीज़ को ग्रुप करना है कि कौन सी हम घर में कर सकते हैं और कौन सी हम बाहर जाके कर सकते हैं. सो वी हैव टू डिवाइड दैम, समर की और विंटर की दोनों की इकट्ठी हमें इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ को यहाँ पर ग्रुप करना है. यहाँ पर हमें इंडोर एक्टिविटीज़ लिखनी है जो हम अपने घर में कर सकते हैं. इंडोर मतलब अपने घर में कर सकते हैं, आउटडोर मतलब हम घर के बाहर जाके करते हैं. कुछ ऐसे वर्क हैं जो हम घर में नहीं कर सकते. सो वी हैव टू ग्रुप दिस एक्टिविटी इन इंडोर एंड आउटडोर. दोबारा से एक बार समझ लेते हैं. वंस अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस, पहले हमें क्या करना है, कुछ एंजॉयबल और एक्साइटिंग थिंग्स लिखनी है जो हम विंटर सीजन में कर सकते हैं. उसको करने के बाद फिर हमें कुछ एक्टिविटीज़ जो हम समर में कर सकते हैं, उन दोनों को करने के बाद आफ्टर दैट हमें इन दोनों एक्टिविटीज़ में से इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ को सेपरेट करना है. इधर हमने लिखनी है इंडोर एक्टिविटी जो हम घर में ही करेंगे जिन एक्टिविटीज़ को, जैसे कि एंजॉइंग द टी. वैसे हम उसको बाहर भी कर सकते हैं आउटडोर, बट हम अपने घर में करते हैं उसको, हम उसका एंजॉय अपने घर में कर सकते हैं. एंजॉइंग द हॉट टी, सो इंडोर में हम उसको रख सकते हैं. सो गोइंग टू द बीच, अब गोइंग टू द बीच तो आप आउटडोर में उसको रखेंगे. सो इस तरह से आपको उसको ग्रुपिंग करना है कि कौन सी इंडोर में आएंगी और कौन सी आउटडोर एक्टिविटीज आएंगी. सो बिफोर कंप्लीटिंग द वर्कशीट, वॉच द वीडियो रेगुलरली. अगर आप वीडियो रोज नहीं देखेंगे देन इट वुड नॉट बी ईजी फॉर यू टू कम्प्लीट द वर्कशीट. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वट यू हैव टू डू. थैंक यू, हैव अ गुड डे.